पहुंच गए हैं फाइनली सैंड ड्यून्स। ये आप देख सकते हैं सैंड ड्यून्स, और जो कैमल राइड है वो आगे ही है, मेन स्पॉट आगे है ये। यहीं से हम सीधा बाद में निकल जाएंगे। चलो चल के देखते हैं, अभी भीड़ तो बहुत है। हाँ तो गाइस रस देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे लता की ड्रेस पहन सकते हैं, फोटोज भी ले सकते हैं, पानी में लोग पैर ऐसे डाल के बैठे भी। क्या है स्पा है क्या? व्यू देखिए यहाँ से जबरदस्त। ऐसा लग रहा है इधर मेला चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान ही आ गया। आर्चरी भी है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे आर्चरी हो रही है, और वहाँ पे फिश स्पा शायद पानी के अंदर पैर धो के बैठने का। हाँ ऐसे बैठे हैं सब, आप लोग करते करते कैमल राइड पहले करेंगे हम लोग, बाकी का बाद में, क्योंकि मेन वही है, बाकी का फोटोशूट। हाँ फोटोशूट करना है वो करते रहेंगे। सेंट्रल एशियन कैमल बोलते हैं उसको। लिखा है कि वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिसहैप ड्यू टू एनिमल बिहेवियर। वो बच्चू देखना छोटू सा मम्मी के बदले का। चल चल आ गए गाइस यहाँ पे। अभी किसका पकड़ना है? क्या इधर भी है पूछ सकते हैं। वो लड़के क्या है शायद ना पूछे क्या, ये वाला लेना है क्या फिर दूसरा लेना है? कोई भी ले सके जल्दी ले। बहुत सारे लोग हैं, बहुत जगह भी है। छोटू देख, छोटू देख, छोटू पे जाऊंगा मैं। देख रहा है, देख छोटू देख रहा है ऐसे बैठे हैं सब लोग मस्त। यहाँ पे एक फैमिली जा रही है, ज्यादा लोग रहेंगे तो। तो जब हम पहुंचे कैमल राइड के लिए, हमें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे टिकट लेना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर बाद में हमने ये साइन बोर्ड देखा तो मैं समझ गया कि यहाँ पे टिकट्स है। आई थिंक इट कॉस्टेड लाइक 500 समथिंग पर पर्सन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद भी नहीं। तो उसके बाद उन लोग ने ऐसे टिकट पे नंबर पे लिखा होता है, तो वो नंबर के हिसाब से आपको बुलाया जाता है। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, लोग ऐसे पागल ऐसे बोल रहे थे कि पहले मेरे को ले लो, पहले मेरे को ले लो, बिकॉज सनसेट होने वाला था। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं नंबर वाइज ही लेंगे, तो इसके लिए हम लोग को मिल गया था जल्दी। तो ये देखिए दो मंडी वाला कैमल सब लोग डरे हुए लग रहे हैं अभी ना। दैट गर्ल वो जो पिंक वाली है वो गिर गई बेचारी, एक ने गिरा दिया, फिर उधर हेजिटेट कर रही है अभी बैठने के लिए। बट भीड़ अभी भी बहुत सारी है, पीछे देखे गए कितनी भीड़ है, लोग का नंबर अभी तक आया नहीं। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? नहीं अभी नीचे बैठ गए तभी भी वाट लगी थी। हाँ नीचे बैठने के टाइम तो ज्यादा ध्यान रहा। गाइस हम चल पड़े हैं, और आपको वीडियो में थोड़े मेरी मुंडी हिलते हुए दिखेगी क्योंकि बहुत ही खतरनाक वाली राइड है, बट अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। आगे का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को, वहाँ पे जाएगा तो मस्त आएगा, वहाँ पे हम लोग फोटो खींचेंगे लगता है। हाँ कितना है फोटो का? एक एक फोटो का कितना पैसा? क्या अच्छा आप फोन से खींचे गए? अच्छा मेरे को लगा कि आपका फोटोग्राफर है क्या वहाँ पे। आप खींचेगा ना सही, अच्छा वाला खींचना मस्त एकदम। किसी ने चलते 14 कैमरा लेते साथ में। हाँ वो बोलते हैं आपके साथ बंदे नहीं इधर, अभी बंदे हमारे दिया नहीं दिया। हाँ वो टिकट दिया है। हाँ वो टिकट उठाया। हाँ ऐसे जाते बस। अच्छा उठाने के कोई नहीं आते। हाँ हमारे करते उठाते बस। हाँ वो बोलते कभी बंदे ने बोलते आपको बंदे नहीं आते, नहीं वो बोलना पड़ेगा ना। हाँ बराबर, नहीं उठाना के टाइम और बैठने के टाइम भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी वो उतरने के टाइम डर लगेगा। यहाँ पे कितने कैमल? 8 कैमल यार। तो यहाँ पे कैमल वो बच्चे चिल्लाते रहते हैं ना। Oh my god, this is going so close.
आठ कैमल है हमारे साथ। सो गाइज, हम लोग फाइनली पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे। अभी उतरने का टाइम तो हालत ज़्यादा ख़राब होगी। हाँ, मैं सबसे पहले ही हूँ। ये रही ये पूजा का कैमल है और ये रही पूजा। डर लग रहा है पीछे करना। पीछे करने का बॉडी बस बढ़िया। गाइस ये यहाँ पे ना खेल रहे हैं मस्त। हाँ, इसको देख। चल थोड़ा उधर जाके फोटो लेते हैं ना। कितने लोग आ रहे थे, लग रहे कि पूरे झूम रहे हैं। अभी भी उस तरफ थोड़ी लाइट है बट सन नीचे चला गया है। चलो चलते, अपनी बॉटल है उधर। हाँ पकड़। सो गाइस, हम लोग आ गए समर कैसल कैंप एंड रिजॉर्ट और यहाँ पे हमारी बैग्स लेके चल रहे हैं अंदर। आज हम यहीं पे स्टे करने वाले हैं। मुझे ना बहुत भूख लग रही है, बहुत मतलब बहुत। चलो चलते अंदर। सो गाइस, अभी हम लोग चल रहे हैं अपने रूम की तरफ। ये रहा सागर। हरियाली, एप्रिकॉट का है क्या झाड़ कुछ? एप्रिकॉट पूछना पड़ेगा उनको, है क्या यहाँ पे? देखो ये लोग बोलते हैं कि ये ड्रिंकिंग वाटर है। हाँ नहीं, गंदा दिख रहा है वैसे तो। यहाँ पे ऐसे पूरा कैंप्स बनाए हैं और होटल रूम्स भी है वहाँ पे। हमारा शायद कैंप है। वाह, अरे देखो सुबह का व्यू, सुबह का नहीं सामने का व्यू। चलते हैं, चलो। हेलो गाइस, सो ये है हमारा कैंप। आइए अंदर। और यहाँ पे एक छोटा सा सीटिंग अरेंजमेंट है चाय पीने के लिए और ऐसे गप्पे लड़ाने के लिए। और मेरी चाय भी आ गई है। ये क्या? पता नहीं हो, कुछ होगा वहाँ से। तो लेटर डालेंगे शायद कुछ। हाँ। और ये तो सिर्फ बंद कर सकते हो अंदर की तरफ से। पहली बार ऐसे हम लोग हाँ टेंट में रुके। और ये है हमारा मेन रूम। चलिए। और फुल कारपेटेड है बाय द वे। यस, एक चीज अच्छा है। ये है हमारा बेड। आज तो नींद अच्छी आएगी। सबसे बड़ी चीज गाइस, यहाँ पे टेबल फैन है जो हम लगा के सोएंगे आज। हाँ, ये साइलेंट नहीं होता है। साइलेंट एकदम साइलेंट होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होता है। ओके, एंड टेबल लैंप है। टीवी नहीं है यहाँ पे, चलेगा। दो विंडोज है सामने और हमारे स्टोरेज जो की है भर भर के। हम बैग काफी है बट सब नहीं खोलेंगे हम। सोफा भी है यहाँ पे बैठने के लिए। एंड यहाँ पे एक ये भी है। अरे वाह, चप्पल भी दिया। स्लीपर भी दिया, वो तो वहाँ पे भी दिया था ना। और ये है हमारा बाथरूम। चलिए अंदर। आ सकते है क्या दूसरा आदमी? ये है बाथरूम। यहाँ पे है बिडेट, यहाँ पे है हैंड शावर और एक सोप दिया उन्होंने। सामने एक मिरर है एंड वॉश बेसिन। सो एक रात ही बिताना है मैं यहाँ पे। बट इट्स नाइस। बंद करने के लिए। सो गाइस, अभी मैं निकालने जा रही हूँ अपना मेकअप। मेकअप मतलब ये लिपस्टिक, काजल और ब्लश जो लगाया था वो। फाउंडेशन तो नहीं लगाया था बिकॉज हम धूल मिट्टी बहुत है। विंडोज ओपन रख के जाते हैं ना हम लोग। एसी गाड़ी नहीं, नॉन एसी है बिकॉज यहाँ ठंडी है तो धूल मिट्टी बहुत उड़ती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है बायोडर्मा का मेकअप रिमूवर और देखते हैं कितना। आई ठंडा लगता है यार, देखते हैं कितना धूल मिट्टी निकलेगा अभी। शिट, बहुत ठंड लग रहा था। अगर लुक एट दिस धूल मिट्टी, ये देख चॉकलेट। सो गाइस, टाइम हुआ है 8:05 और पूजा को वैसे पहले से बहुत भूख लग रही थी। हम लोग वहाँ पे ढूंढ रहे थे, कुछ खाने को मिला नहीं हमें। नहीं कोई ना, इधर एक तो लाइट का पता नहीं क्या चल रहा है। राजमा चावल, एक मिनट, कुछ इशू है। या सो राजमा चावल खाया था लेकिन मैंने बहुत कम खाया था बिकॉज तभी ना मेरे को लग रहा था कि ब्लैकआउट होने वाली और मेरे को लग रहा था कि मैं नहीं चल पाऊंगी, मैं नीचे गिरने वाली थोड़े टाइम में। इतना गंदा मेरे को, तभी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी बिकॉज हम लोग बहुत बार कर दूंगा, बहुत देर टाइम तक कर दूंगा पास में रुके थे। देखा कितनी भीड़ थी। हाँ,
फोटो के लिए, जबकि वहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम टाइम आप रुक सकते हो वो है 10 मिनट्स, लेकिन हम लोग ने उससे ज्यादा एक्सीड किया था। मतलब रुक सकते हो बट जो एडवाइजेबल है वो 10 मिनट से ज्यादा रुकना नहीं है, लेकिन हम लोग रुके थे उसकी वजह से ऑलमोस्ट आधा घंटा ज्यादा हो गया, अननेसेसरी हो गया था, तो उसके हमें सो गई ना, फिर वो रोटी लगा, चलो चलते हैं, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। चले गए। तो गाइस ये रात का नज़ारा, मून वहाँ दिख रहा है, यहाँ पे अच्छी लाइट लगाई उन लोगों ने, और ये रूम्स भी है, ये थोड़े महंगे वाले होंगे शायद, हमारा तो पूरा पैकेज में था तो उन्होंने ये किया, बट ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है ना। तो चलो भाई पेट पूजा करते हैं, फिर बाद में आके होगा होगा। सो गाइस ये है डाइनिंग एरिया, देखते आज क्या बना है खाने में। सूप, दाल, क्या पनीर, मिक्स वेज, जीरा आलू। तो मेरा खाना जस्ट आया है, और ये देखो यहाँ पे खाना खत्म भी हो गया है। तुम कैसा है खाना? अच्छा है? ये वाली दाल नहीं मिली, ये वाली दाल हमें वहाँ नहीं मिली ना, वहाँ पे वो अलग थी दाल, बट खाना अच्छा है यहाँ का काफ़ी। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा, पर काफ़ी अच्छा खाना है।